हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ डोरा केक की बहुत ही शानदार रेसिपी, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और डोरा केक बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए बिना कोई देर किए इस रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। डोरा केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक बॉल, जिसके ऊपर मैंने एक छलनी रख दी है और उसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे मैदा। ये मैंने एक छोटी कटोरी मैदा लिया है, आप कोई भी कप या कटोरी मेज़र कर ले, और जितना आप मैदा लेते हैं उसका बराबर आधा या फिर आधे से थोड़ी सी ज़्यादा पीसी हुई चीनी लेनी है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, हमें यहाँ पर बेकिंग पाउडर का यूज़ करना है। यह आधा छोटी चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, ये बेकिंग सोडा नहीं है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। अब सबसे पहले हमें इस तरह से इसे छान लेना है, ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई गुठली ना रहे। अगर रहती भी है तो इस तरह से चम्मच को उल्टा प्रेस करके फिर इसे छान ले, ताकि एक स्मूथ सा बैटर बनकर रेडी होगा हमारा बाद में। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से छान लिया है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अमूल का मिठाई मेड, जिसे हम कंडेंस्ड मिल्क भी बोलते हैं। हमें 2 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क ऐड करना है। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हनी, आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा वाला हनी नहीं लेना है, नॉर्मल हनी लेना है जो मार्केट में मिलता है। ये 1 चम्मच डाबर का हनी ऐड कर रही हूँ, इससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस, 1/4 चम्मच वनीला एसेंस ले रही हूँ मैं, ये बिल्कुल छोटी वाली चम्मच है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 से 1 चम्मच के करीब मेल्टेड बटर। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध, दूध आपको नॉर्मल लेना है, रूम टेम्परेचर पर लेना है, नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा दूध होना चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा गर्म, रूम टेम्परेचर पर ही आपको दूध लेना है। हमें इसमें गर्म दूध का यूज़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करते जाएंगे और एक रिबिन कंसिस्टेंसी का बैटर हमें रेडी करना है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा करके ही दूध ऐड करना है। अगर आप एक साथ सारा दूध ऐड कर देंगे तो इसमें बहुत सारे लम्स आ जाएंगे। ये देखिए कितना स्मूथ सा रिबिन कंसिस्टेंसी का बैटर बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है, आपको भी नॉनस्टिक पैन ही लेना है। नॉनस्टिक पैन जैसे ही गर्म हो जाएगा हम उसे सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाना है। उसके बाद टिश्यू पेपर या कपड़े की मदद से आपको उसको अच्छे से क्लीन कर देना है। उसके बाद किसी भी चम्मच की मदद से आप इसमें एक छोटा चम्मच इस तरह से बैटर डालेंगे, और बैटर डालने के बाद आपको उसको टच भी नहीं करना है, ये खुद ब खुद फैल जाएगा। और उसके बाद हम इसका ढक्कन लगाकर इसे 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। एक डोरा केक को कम्प्लीटली बनने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। आप चाहें तो घड़ी में देखकर भी 2 मिनट आपको इसकी एक साइड को पकाना है, सेक लेना है अच्छे से इस तरह से ढक्कन लगाकर, ताकि ये बहुत अच्छे से अंदर तक पक सके। 2 मिनट एक साइड सेकना है, उसके बाद 2 मिनट दूसरी साइड। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा डोरा केक हमारा बनकर तैयार हुआ है, कितना प्यारा कलर आया है इसका। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है, इसको सेकते हुए गैस का फ्लेम मीडियम भी नहीं होना चाहिए। और किसी भी 1 चम्मच की मदद से आप ये काम करेंगे तो आपके सारे डोरा केक जो है सेम साइज़ के बनकर तैयार होंगे, कम ज़्यादा बड़े छोटे नहीं होंगे। बस फिर से हमने 1 चम्मच बैटर इसके अंदर डाला है, फिर से इसका ढक्कन लगाएंगे और 2 मिनट तक इसे पकने देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर छेद ही छेद आपको नज़र आने लगेंगे, मतलब ये बहुत अच्छे से पक चुका है एक तरफ से। अब दूसरी तरफ भी इसे इस तरह से टर्न कर देंगे और फिर से ढक्कन लगाकर इसे दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा सुनहरा कलर इसके ऊपर आ गया है। बस इसी तरह से हमें सारे डोरा केक बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए मैंने सारे डोरा केक बनाकर तैयार कर लिए हैं। उसके बाद मैंने गैस पर 1/2 कप दूध रखा है, अभी ये दूध मैंने गर्म नहीं किया है, सिर्फ गैस ऑन ही किया है। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी कि थोड़ी सी डार्क कंपाउंड चॉकलेट, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने डाल दिया है। मैं इसका एक गाढ़ा सिरप तैयार कर रही हूँ डोरा केक के अंदर फिल करने के लिए, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसके अंदर फिलिंग में कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, रेडीमेड जो चॉकलेट सिरप आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन मैं इसे घर पर बना रही हूँ। आपको जितना गाढ़ा करना है बस उतनी देर तक आपको इसे पकाना है। मुश्किल से 3 से 4 मिनटी लगे हैं और 3 से 4 मिनटी लगेंगे और आपकी ये चॉकलेट सिरप बनकर तैयार हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कितनी लिक्विड थी और 3 से 4 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। बस आपको इसे जितना ज़्यादा थिक रखना है बस उतनी ही देर तक आप इसे पकाएं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। बस अब इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। आप चाहे तो इसे थोड़ी देर फ्रीज में भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने 6 डोरा के बनाकर तैयार किए हैं। इसमें से 5 सेम साइज़ के हैं और एक थोड़ा छोटा बना है क्योंकि थोड़ा सा बैटर कम हो गया था, कम पड़ गया था इसीलिए। ये देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से एक डोरा केक लेना है, उसके बाद में इस तरह से चॉकलेट सिरप या चॉकलेट घनाशे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। और ये चॉकलेट घनाशे थोड़ा सा लिक्विड है, थोड़ा सा पतला है, इसीलिए जैसे आप इसके ऊपर दूसरा डोरा केक इस तरह से लगाएंगे और इसे प्रेस करेंगे तो ये छेद से आर पार आपको दिखाई देने लगेगा क्योंकि ये थोड़ा लिक्विड है। अगर आप इसकी जगह कोई और गाढ़ी चीज़ यूज़ करते हैं फिलिंग के लिए तो आपको इस तरह से आर पार दिखाई नहीं देगा जिस तरह से ये चॉकलेट घनाशे या चॉकलेट सिरप आपको आर पार छेद में दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा और ये रेसिपी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगले रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।